सूरज देख रुक गया है तेरे आगे झुक गया है, सूरज देख रुक गया है तेरे आगे झुक गया है। जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होय चैनल, होय चैनल। तो जी हम आ गए हैं। कुछ लोग बहुत ही डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, हमें पता है, इसलिए हमने आपके लिए ये वाला गाना गाया है। ठीक है, ये गाना हमने अपने आपके लिए डेडिकेट किया है। ठीक है, दिल से डेडिकेट किया है आपको। देखिए, हमें पता है कि बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, एनर्जीज अप डाउन हो रही थी। देखिए, वो इसलिए क्योंकि न्यू मून था, अमावस्या है, ऑब्वियसली थोड़ी एनर्जीज अप डाउन होती हैं उस चीज़ में, क्योंकि मून जो होता है ना, वो डायरेक्ट आपके दिल पे प्रहार करता है। ठीक है, आपके या आपसे जुड़े हुए किसी पर्टिकुलर पर्सन के किसी की एनर्जीज तो देखिए हमने कल ग्रैब की थी, जो काफ़ी पेन में दिखाई दी। कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि समझ नहीं आ रहा, लेकिन रोए चले जा रहे हैं, रोए चले जा रहे हैं। हम समझ रहे हैं यार, इमोशंस होते हैं। ठीक है, बह जाने दीजिए, कोई बात नहीं, क्लेंजिंग हो रही है, निकल जाने दीजिए। जो तकलीफ़ है, जो पेन है, कोई बात नहीं। आई होप आज आपकी एनर्जी थोड़ी बहुत ठीक हो, क्योंकि अमावस्या वैसे आज है। अरे यार, ये क्या है यार, क्या है ये? अभी तक इसी पेन में हो? देखिए, ऐसे क्या होता है, आप जितना तकलीफ़ में रहते हैं ना, वो फिर गॉड सोचते हैं कि हम इसका क्या ही भला करेंगे, हम इसको अच्छा टाइम इसको दिखाने वाले हैं। लेकिन ये तो बताओ, अभी अपने में ही ये दुखी है, तो वो वाली खुशी जो भगवान जी आपके चेहरे पे देखना चाहते हैं, वो देखिए भगवान जी की भी तो इच्छा होती है ना, कि हम जब इसको ये खुशी देंगे तो इसके चेहरे का रिएक्शन कैसा होगा। लेकिन आपका तो यहाँ पर दिल ही छीला हुआ है, बताइए तो भगवान जी भी क्या करेंगे? आप उनको भी तो तकलीफ़ दे रहे हैं, गलत बात है। काहे दे रहे हैं भगवान जी को तकलीफ़ इतना, और काहे इतना तकलीफ़ खुद पे ले रहे हैं? हैं, नहीं, फ़ौरन इस ऐसी एनर्जी से, ऐसी ऊर्जाओं से बाहर आ जाइए। ठीक है, ये अल्टीमेटली क्या होता है, हमने आपको कल भी बताया था, ये अपने आप ना अंदर ही अंदर स्लो पॉइजन का काम करता है, ख़त्म कर रहा होता है, आपको पता भी नहीं चलता है। भूख प्यास सब कुछ उड़ जाता है, इंसान एकदम पता भी नहीं चलता है, इतना कमज़ोर हो जाता है, धीरे धीरे फिर ख़त्म होने लगता है। लेकिन जब चला जाता है, फिर हम क्या बोलें, हमको तो आपको, आप तो बहुत इंटेलिजेंट है ना, हमको तो कुछ बोलना ही नहीं है। आप लोगों को बहुत इंटेलिजेंट है, आप लोग जो मर्जी कीजिए, हमारी बात कहाँ सुननी है आप लोगों को? है, हमारी बात आपने तनिक भी अगर सुनी होती ना, तो ऐसी एनर्जीज में थोड़ी होते आप लोग हैं। आप खुद बताइए, आप लोग ऐसी एनर्जीज में थोड़ी होते हैं। हमारा तो कोई सुनता ही नहीं है, हमारी बात का तो कोई मोल ही नहीं है भाई। जो मर्जी करिए, जो मर्जी करिए, आपकी इच्छा, आपकी इच्छा, जो मर्जी करिए आप, है जो आपको ठीक लगता है वो करिए भाई। आप लोग थोड़ी सुनेंगे हमारी, हम तो पागल हैं। तो हीलिंग ले लेते हैं, मतलब हम क्या लेंगे, हम तो आपको दे रहे हैं, ऐसी तकलीफ हम क्या ही रीडिंग करेंगे, बताइए। खैर, हीलिंग ले लीजिए, हीलिंग ले लीजिए। है जो गाना है, जाके सुनिएगा इस गाने को जो हमने गाया है, और आज हमें लग रहा है इस गाने पे अवश्य कॉपीराइट लगेगा भाई। ये देखो, कंफर्मेशन है। जैसी बोला ये देखा, पै कंफर्मेशन है, बताइए।
पचास पचास पैसे का, साठ साठ पैसे की कमाई होती है, उसमें भी कॉपीराइट लग जाता है। तो 25 पैसे जो है, जिसने कॉपीराइट लगाया है वो 25 पैसे वो लेगा, 25 पैसे हमको मिलेगा। नहीं, लेने दीजिए, लेने दीजिए, चलिए चलिए, लेने दीजिए, कोई नहीं कोई नहीं। तो चलिए हीलिंग दे देते हैं आपको, ठीक है। तो थोड़ा शांति से बैठिए ना आप लोग, आपको क्या दिक्कत है हमें समझ में नहीं आ रहा। अरे मतलब पैर फोल्ड करके ना ऐसे आराम से बैठिए, एक अच्छी सी मुद्रा में, मेडिटेशन की मुद्रा में बैठिए, तनिक मन को शांत कीजिए ना, हैं। अरे इतना काहे काहे इतना लोड ले रहे हो, हैं। मत लीजिए, मत लीजिए इतना लोड भाई। हीलिंग दे देते हैं, ठीक है। वही है, कल जैसी एनर्जी भी है ऑलमोस्ट, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हमें और कुछ समझ आया है, अब पता नहीं किसकी एनर्जी है भाई, किसी की तो हमने कैच की है कि कंपेयर कर रहा है कोई आपको, आपको किसी और से कंपेयर किया जा रहा है, या आप किसी को कंपेयर कर रहे हैं क्या? मतलब एक प्राणी दूसरे प्राणी को किसी से तुलना की जा रही है, यहाँ पे तुलना हो रही है। अरे खैर जो भी है, लेकिन एक पेनफुल एनर्जी सुबह की अभी भी है, कल वाली, ठीक है। तो क्या करेंगे आप हीलिंग लेके, क्या करेंगे? ऐसी ऐसी हीलिंग दें हम आपको, है। अरे भाई रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, हार मत मानिए, हार मत मानिए। अभी जब जस्टिस का टाइम आने वाला है आप वहाँ पे, तब तब हार मानेंगे तो फिर क्या ही, हमारी तो पूरी मेहनत पे पानी फेरेंगे आप, हैं। जो मर्जी कीजिए, आप लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, हमारी बात कहाँ सुनेंगे आप, जो मर्जी कीजिए, ठीक है। रीडिंग करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है भाई रीडिंग में। जो लोग टैरो क्लास का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो अवश्य ज्वाइन कीजिएगा, है। 5वां बैच स्टार्ट करने वाले हैं हम जुलाई के महीने में, 3rd वीक में, संडेज को। तो प्लीज़ जो लोग एनरोल कराना चाहते हैं अवश्य कराइएगा, है। अगर आपको लगता है कि आप एक हीलर बन सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, आप में भी दया की भावना भर भर के है, कूट कूट के भरी हुई है, तो अवश्य ये आपके लिए कुछ अच्छा हो सकता है, हैं? पहला कार्ड आया है भाई। अरे ये क्या हाल बना है, पहला कार्ड ही कमर, हैं? कमर में दर्द, अरे कुछ लगाइए ना, नहीं है क्या आपके घर में मुंह, हम दे क्या? अरे पहला कार्ड ऐसा कमर तोड़ कार्ड आएगा तो फिर क्या ही करेगा। मून का कार्ड है, पहला न्यू मून है, और ये भी न्यू मून ही आपको दिखाई दे रहा होगा, न्यू मून है ये,
फुल मून का है, बहुत इमोशंस, हाई लो हाई लो हाई लो है। हाँ फिर ये ठीक है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। पीर हायरोफेंट का कार्ड है ये, ठीक है, बैठ जाइए, हमने आपको पहले ही बोला था, ऐसी मुद्रा में बैठ जाइए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। अरे भाई आपकी इंट्यूशन इस समय बहुत तगड़ा जवाब देगी आपको, हमारी रीडिंग जो जवाब नहीं देगी ना, वो आपको आपकी इंट्यूशन, आपका दिल, आपका जो मन है ना, वो दे देगा। जो भी आपको जानने की आवश्यकता, जो भी आप जानना चाहते हैं ना, वो आपका हृदय आपको देगा भाई। बैठिए, इस समय बैठिए, मेडिटेशन में बैठिए, बहुत आपको फायदा होगा। आप खुद बोलेंगे कि अरे वाह यार, ऐसे जवाब आपको मिलेंगे ना, आपके अंदर से ही आएंगे आपको जवाब। रीडिंग भी देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको, देख लीजिएगा। हाई, बहुत इंट्यूशन हाई है आप लोगों की, इसलिए हम बोल रहे हैं, मजाक नहीं है, आप लोगों की इंट्यूशन तेज़ हो रही है, मतलब तेज़ हो रही है। बहुत सारे जवाब आपको आपके अंदर ही मिल जाएंगे, इसलिए कह रहे हैं एक बार बैठिए तो सही। 3 of Wands खूबसूरत कार्ड है। जाइए जाइए, हम तो आपको बोल रहे हैं कि जाइए, थोड़ा घूम आइए, आपका मन बहुत अशांत है, या आप ही की एनर्जीज हमने ग्रैब की हैं, ठीक है, आप ही एनर्जीज हैं, बाकी किसी और प्राणी की अभी आएगी तो हम बताएंगे, लेकिन अभी आपकी एनर्जीज ऐसी हैं, हम आपको एक ही बोलेंगे, एक ही चीज़ बोलेंगे, बहुत लंबे टाइम से किसी एक ही जगह पर है, थोड़ा घूम फिर के आइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जाते क्यों नहीं हैं आप लोग बाहर, अरे भाई कहीं जाइए, घूम कर आइए। अगर एक ही चार दीवारी में बहुत टाइम से बंद है ना, तो बाहर निकलिए थोड़ा। अरे किसी के घर ही चले जाइए, थोड़ा बतिया आइए, क्या दिक्कत है, थोड़ा बतिया लेंगे वहाँ पे, बात कीजिए वहाँ पे, थोड़ी आपस में वार्तालाप होगी, हैं आपका कुछ, आप अपनी बताएंगे कुछ, आप उनकी सुनेंगे, हैं आदान प्रदान होगा विचारों का, और इक्वल गिव एंड टेक भी चलेगा, हैं। अरे भाई उनके घर में आप चाय पी के आइए, परसों उनको अपने घर पे चाय पे बुलाइए, अरे भाई थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड तो करिए। अरे हमारी बात आप काहे नहीं सुनते हैं, हमको समझ में नहीं आता है, ऐसी एनर्जी में रहने की क्या ही आवश्यकता है, ये क्या हाल बनाया, हमें समझ में नहीं आ रहा, क्या दिक्कत क्या है। 10 of Wands, अरे ऐसा कौन सा भूचाल टूट पड़ा है, ऐसी कौन सी दुनिया लुट गई है आप लोगों की, जो ये हालत है आप लोगों की है, और आप हमारे रीडिंग का इंतजार करते हैं, ये सिखा रहे हैं हम आपको। अरे जाइए, हमारी बात तो कोई सुनता तो है नहीं, शिकायत लगा दें हम आप लोगों की बजरंग बली से, एक गदा से मारेंगे आपके सर पे, तब आपका दिमाग खुलेगा, हैं बताइए, लगा दें हम शिकायत इनसे, सामने ही बैठे हैं पंचमुखी हनुमान जी, हैं सोचिए पंचमुखी हनुमान जी हैं, 5-5 गदा का प्रहार करेंगे आपके ऊपर, मज़ा आएगा आपको, सुनेंगे तो आप हमारी बात है नहीं, जो प्यार से बोल रहा हूँ उसकी थोड़ी सुनेंगे, मार खा के ही मानेंगे लगता है आप लोग, हैं। अरे मजाक है जो एक भी कार्ड ढंग का है, ये क्या हालत है, हैं। 4 of Cups एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं आप लोग चीज़ों को, रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, हैं सामने इतना भरपूर, इतना अच्छा अच्छा खजाना खाना रखा हुआ है, उसको आप खा सूंघ भी नहीं रहे हैं, बताइए, इतना अहंकार, इतना गुरूर, अरे इतना गुरूर तो चांद को भी नहीं है। और किसकी वजह से आपको ये तकलीफ, ऐसा 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 क्या लूट पुट गया है बताइए जीवन में, ये तकलीफ काहे के लिए है, काहे मतलब काहे, हमको बताइए चलिए, काहे ये इतना गुरूर काहे है, मतलब सोचिए, इतना अच्छा खुशबूदार पुलाव रखा है सामने, और आप उसको अपना जो है सूंघ नहीं रहे हैं, मुंह लगाना तो दूर की बात है, हैं, कहीं पे दिल लगा होगा तभी आप इधर मुंह नहीं लगा रहे हैं, हैं कहाँ पे लगाया है ऐसा दिल जो टूटा हुआ है। फूल का कार्ड दिखाई तो दिया था मैं, आया नहीं, पर आना होगा तो आ जाएगा। अरे भाई हमको ना करना है रीडिंग,
फोर ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, ये तो आप ही की एनर्जीज है। नहीं, रोते रहिए आप लोग, रोते रहिए आप लोग, रोते रहिए, हमको कुछ नहीं कहना है, आप लोग रोइए अच्छी तरीके से रोइए। चलिए 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 स्टार्ट कीजिए, चलिए 1 2 3 स्टार्ट। चलिए नहीं नहीं रो लीजिए, रो लीजिए अच्छी तरीके से, रो लीजिए, हमारी बात थोड़ी सुनेंगे आप लोग, रो लीजिए रो लीजिए, हम तो पागल हैं, हमारी बात थोड़ी सुनेंगे आप लोग, रोइए खूब रोइए खूब रोइए। बहाइए अपना गंगा जमुना सरस्वती, बहाइए बहाइए बहाइए, यहाँ पे बारिश की थोड़ी कमी है तो आप अच्छी तरीके से रो लीजिए हैं, और थोड़ा दिल्ली को भी जो है अपने आँखों के आंसू अश्रु जल से सराबोर कर दीजिए भाई, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। सुन लीजिए कान खोल के अच्छी तरीके से, न्यू मून है इसलिए ये हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा चुप हो जाइए और सोचिए कि अच्छा अच्छा न्यू मून है तभी हमको इतना इमोशनल आ रहा है, ठीक है। अरे इमोशन है कि पकाना है, ऐसे नहीं आ सकता है भाई। पता नहीं काहे कि इतनी दुख भरी एनर्जीज हैं, कार्ड भी नहीं आ रहे हैं। थोड़ा मेडिटेशन में बैठिए आप लोग, हम बता रहे हैं आप हमारी तो सुनेंगे नहीं ना, लेकिन हम बता रहे हैं आपको, आपके कुछ सवालों के जवाब आपको आपके मेडिटेशन में ही मिल जाएंगे। फिर कमेंट करके हमको बताइएगा कि आपको क्या दिखाई दिया मेडिटेशन में। अरे कुछ नहीं करना है भाई, चुपचाप बस 2 मिनट के लिए बैठ जाना है आँखें बंद करके, ठीक है, शांति मिलेगी मन को, शांति मिलेगी, कुछ दिखाई दे ना दे मन को शांति तो मिलेगी ना। दो दो कार्ड एक साथ आए हम ले ही रहे हैं। अच्छा तो ये है वो कारण, ये एट ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, और ये थ्री ऑफ कप्स। भाई कप्स के कार्ड तो इतने सारे हैं, स्पाइसीज हैं यहाँ पे, हायरोफेंट, एरीज, मेजर अरकाना दो है। आप बताइए आप क्या बात करेंगे। अच्छा एस ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे बॉटम, हमें दिखाई दिया तो हम बताएंगे। चलिए कम्युनिकेशन किसी का तो आ रहा है आपको, किसी से अगर आपको बात करनी है तो आपको वो जो बात है वो आ रहा है आपके जीवन में। चलिए खुश हो जाइए, खुश हो जाइए, फौरन खुश हो जाइए, बताइए। हमारे वाला रिएक्शन सब करेंगे एक साथ, ठीक है, एक साथ करेंगे सब लोग हमारे साथ आज, ठीक है। तो 1 2 3 स्टार्ट। इतनी खुशी भाई, तो ठीक है लीजिए, आ गया जजमेंट, आ गया, ठीक है। ये देखिए तितलियां दिखाई दे रही होंगी आप लोगों को बहुत सारी, अगर नहीं दिखाई दे रही होंगी तो कोई बात नहीं, दिखेंगी, ठीक है, और अगर नहीं भी दिखी तो भी घबराने का नहीं भाई, कहीं पे भी किसी की टी शर्ट पे दिख जाएगी, अचानक से कहीं पे उड़ती भी दिख जाएंगी, अगर रियल में भी नहीं दिखता है कोई स्टिकर पे दिख जाएगा, किसी के बैग में, किसी की ज्योमेट्री बॉक्स में, जो है ऐसी पिक्चर्स आपको दिखेगी तो आप समझ जाइए कि ये कन्फर्मेशन है, ठीक है, ये साइंस है, सिंक्रोनिसिटीज हैं कि कम्युनिकेशन इज़ कमिंग, कम्युनिकेशन इज़ ऑन द वे। तो किसी से आपकी बातचीत होने के हमें दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों का यहाँ पे डायरेक्ट थोबड़े से थोबड़े का मिलान भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो मतलब फेस टू फेस मीटिंग भी है, कुछ लोगों का डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, एज अ जजमेंट दिस इज कमिंग, ठीक है, तुरंत गले मत पड़ जाइएगा, बरस मत पड़िएगा, थोड़ा शांति से पेश आइएगा जिसका भी कम्युनिकेशन का आपको वेट है। भाई बहुत ज्यादती कर रहे हैं आप अपने आप ऊपर, सच बता दो, जिस तरीके की कार्ड्स आए ना शुरुआत के, 1 2 3 4 5 छः कार्ड्स इतने भयंकर आए हैं, मजाल है कि एक भी कार्ड ढंग का आया हो। पहला मून है, फिर ये पीर है, ठीक है, फिर थ्री ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है, फिर ये देख लीजिए कार्ड, देख लीजिए थ्री ऑफ वॉन्ड्स है, फिर टेन ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है, फिर ये फोर ऑफ कप्स है, ओके, और फिर तो ये मतलब तो दुनिया ही लुट पुट गई हुई है, यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स है, ठीक है, तो भगवान की दी हुई चीज़ों को का इतना अनादर है, बताइए, भर भर के चार चार मटके पूरा भरा हुआ खाना रखा है और आप उसकी तरफ देख नहीं रहे हैं,
भोजन का अनादर कर रहे हैं, ईश्वर का अनादर कर रहे हैं, और इतना गुरूर। आगे देखते हैं, भाई जजमेंट आ रहा है, थोड़ा खुश हो जाइए। ऐसा थोड़ा लेके जजमेंट का वो करेंगे आप लोग, हैं स्वागत करेंगे। कितने सारे कार्ड्स, देखिए कितने सारे कार्ड्स हैं एक साथ। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं आपके मन में बहुत सारी दबी हुई भावनाएं हैं, आपको किसी से को शेयर करना है, इसलिए बहुत डेस्परेट हो रहे हैं आप लोग। हम आपको क्या बोलते हैं, डेस्परेट नहीं होना है, और आप यहाँ पे डेस्परेट हो रहे हैं, ये तो गलत बात है, ये तो बहुत गलत बात है, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है भाई। हैं ऐसा काहे करते हैं आप लोग। ये दिखाई दिया है हमको टावर, तो जो कम्युनिकेशन होगा उससे भी आप क्या ही आउटपुट निकालेंगे, क्या आउटकम निकलेगा बताइए, लड़ाई झगड़े। हाँ ये अच्छा है, ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ऐसे अंधेरे में बैठने की क्या जरूरत है, हैं अभी ऐसी एनर्जीज में आइए, वापस आइए, ठीक है। और ये आपको ऐसी एनर्जीज में होने की जरूरत है, ऐसी एनर्जीज में आपको रहना है इस समय। और लेकिन इतना अंधेरे में मत बैठिए, अंधेरे में देखिए भूत लोग बैठते हैं, ठीक है। और अनार 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 काट के क्यों रखा है, हैं खाइए, इंजॉय कीजिए, इंजॉय कीजिए, आप मलिका ऑफ पेंटिकल्स हैं भाई, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, इंजॉय कीजिए ना इसको, हैं इसको भी आप नहीं खा रहे हैं बताइए, अनार कटे हुए रखे हुए हैं आप देख रहे हैं, देख भी नहीं रहे हैं भाई, ये तो गलत बात है, इतना इतना गुरूर अच्छा नहीं है। खाइए खाइए अनार, खाइए काट के खाइए, खून बढ़ता है अनार से, हैं खून बढ़ता है, खाइए। भोजन का अनादर कृपया ना करें, ठीक है, हमको वो लोग नहीं पसंद जो भोजन का अनादर करते हैं, क्योंकि हमारे थाली में कभी भी चावल का एक दाना नहीं बचा होता है, हमारा प्लेट इतना साफ होता है, ऐसा लगता है धुला हुआ है, ठीक है। तो जी मुबारक हो, मुबारक हो, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आ गए हैं, ठीक है, पधार गए हैं, क्योंकि यहाँ पर है किंग ऑफ कॉइन्स और यहाँ पर है क्वीन ऑफ कॉइन्स, ठीक है। तो भाई वाह, जोड़ी हो तो ऐसी, देखिए तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने, ठीक है। देखिए हम आपको एक ही बार बोलेंगे, जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, वो आने को है, आने को है, बात भी होने को है, बात भी होने को है, लेकिन जिस हिसाब से आपकी एनर्जीज है हमें नहीं लगता है कि कोई नतीजा निकलेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। अपनी एनर्जीज को ठीक कीजिए, बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, जो कि गलत है। अपनी एनर्जीज को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है, ऑब्सेस हो जाएंगे, डेस्परेट हो जाएंगे, वो एनर्जीज हेल्दी एनर्जीज नहीं होती हैं, आप इस समय बहुत ही अनहेल्दी एनर्जीज में, ठीक है। अपने इंटेंशंस प्योर रखिए, अपनी एनर्जीज को क्लीन कीजिए, साफ रखिए। इस तरीके की एनर्जी से आप क्या बात करेंगे बताइए, क्या 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 कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट करते हैं आप, लड़ाई झगड़ा ही होगा, हैं। मलिका ऑफ वॉन्ड्स है, यानी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक राजा एक है, ठीक है, राजा एक है, रानी दो, देखिए हमको नहीं लगता है कि ये इस राजा की, देखिए साफ सीधी बात है, इस राजा की लाइफ में अभी एक और प्राणी है इन्वॉल्व, ठीक है, तो कोई भी कह सकता है थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी के लिए इनके मन में काफ़ी फीलिंग्स है अभी भी, ठीक है। कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन आपकी एनर्जीज कुछ बहुत खास नहीं है, उस वजह से जो है लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, और वापस से आप लोगों की एनर्जीज हमको जो है बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, वो इसलिए क्योंकि शुरुआत के 6 कार्ड बहुत ख़राब हैं, तो ख़राब मतलब बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज देखना चाहते थे, यहाँ पे सन है, सन है,
देखिए, जो भी फैसला आएगा, जो भी फैसला आगे होने वाला है, मतलब जजमेंट का टाइम है, ये आपके फेवर में होगा, ठीक है। आपके फेवर में इसलिए कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी दो है, हम गलत नहीं बोलेंगे, ठीक है। पॉसिबिलिटी दो है, एक क्लोजर की भी संभावना है, तो तैयार रहिए उसके लिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से, बहुत टाइम से कुछ लोग लटके हुए हैं ना, कमेंट्स आते हैं कि हमको जो है इतने टाइम से लटका के रखा है, ना आते हैं ना जाते हैं, ठीक है। तो एक क्लोजर मिल जाएगा, वो भी आपको एक मानसिक शांति ही देकर जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इसके भी चांसेस हैं कि फाइनली कोई आपको इस तरीके से बता सकता है कि भाई हम जो है, ठीक है, जो हमको फील होगा वो हम बताएंगे ही। ये जो राजा है, ये बता सकते हैं कि भले ही ये इनके राजा के काउंटर पार्ट आप हैं, ऑब्वियसली आप रीडिंग देख रहे हैं, आप ही इनके काउंटर पार्ट हैं, लेकिन इस समय राजा ने इनको चुना है, ठीक है, क्योंकि ये ठीक मून के नीचे ये काम आ रहा है। मून पे रीडिंग शुरू हुई है, ख़त्म यहाँ पे हुई है, तो ऑब्वियसली राजा की फीलिंग्स बहुत हिडन है, राजा बहुत अभी भी थोड़ा बहुत डिसेप्टिव है। और भैया, कैसा राजा है जो दो दो के लिए फीलिंग रखता है, आपके लिए भी फीलिंग्स है, इनके लिए भी फीलिंग्स है, लेकिन पलड़ा इस समय इनका भारी है, ठीक है। लेकिन सन का जो लास्ट का सन है ना, तो वो हमको ये बता रहा है कि इस समय आपकी जो भी जजमेंट के तौर पर, मतलब ये इसके तौर पे जो भी आपके लिए होगा ना, वो बेहतर होगा, आसान होगा आप लोगों के लिए आगे बढ़ जाने में, ठीक है। हम आप लोगों के लिए आसान होगा आगे बढ़ जाने में, ठीक है। कब तक ये बर्डन पालोगे यार, कब तक इस चीज़ में कब तक रहोगे, रहना होगा इस चीज़ में। नहीं, आप खुद सोचिए कब तक रहने का इरादा है, कब तक, लास्ट बिल्कुल आखिरी सांस तक ऐसे रहने का इरादा है आपका, ये हमें बता दीजिए। तो हमको क्या ज़रूरत है रीडिंग करने की रोज़ रोज़, आप बता दीजिएगा कमेंट करके कि हम तो ऐसे ही रहेंगे जी, तो फिर हम छोड़ देंगे रीडिंग करना, क्योंकि आप लोगों को सुधरना तो है नहीं। और आप लोग बोलते हैं कि मिनी आपके आपसे हमें हीलिंग मिलती है, अरे घंटा हीलिंग मिलती है आप लोगों को, है तो धोखा दे रहे हैं आप लोग हमें, कर्मा खराब कर रहे हैं अपने, हमको भी अंधेरे में रखा है, बताइए, हमारे ऊपर भी जुल्म कर रहे हैं आप लोग, हैं हमको भी धोखा दे रहे हैं, हमने क्या बिगाड़ा है आपका, बताइए। जो हम इतना देर तक रीडिंग करते हैं, इतना देर से भौंकते रहते हैं, तो काहे हम भौंकेंगे इतनी देर तक, भाग ससुर, हम बंद करते हैं रीडिंग, हमको ना देखना, हमको ना करना यार, आप लोग सुनते तो है नहीं, हमारी बात कहाँ सुनते हैं आप लोग, काहे सुनेंगे हमारी बात, हम कोई हैं थोड़ी आप लोगों के, रिश्तेदार थोड़ी लगते हैं जो आप हमारी बात सुनेंगे, काहे सुनेंगे आप लोग हमारी बात, मत सुनिए, जाइए, नहीं करनी हमको रीडिंग भाई, रोज़ ऐसा सड़ा हुआ एनर्जी लेकर रीडिंग करेंगे हम, हैं, अरे हमारी खुद की एनर्जीज ऐसी ख़राब रहती है, ऊपर से हम आप लोगों की भी ऐसी घटिया एनर्जीज पर रीडिंग करें, हैं, हमारा भी मन सड़ा दीजिए आप लोग, हैं, ऊपर से बोलते हैं आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, घंटा अच्छे लगते हैं, नाराज कर दिया आपने हमें, बताइए, हंसिए, देखिए क्या पता कल हो ना हो, देखिए जीवन तकलीफ देता है, इस बात से कोई दो राय नहीं है, हम भी आप ही की तरह भुक्तभोगी हैं, ठीक है। आपसे जो कनेक्शन हमने बनाया है ना, वो बिल्कुल दिल का है, आपकी तकलीफ बिल्कुल डायरेक्ट हमारे यहाँ लगती है, आप लोग नहीं समझते हैं, और ऐसी एनर्जीज रहेंगी तो हम क्या घंटा रीडिंग करेंगे, सॉरी शम, वो ऐसी एनर्जीज, लेकिन ये आ रहा है, खुशी है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आ रही है, आप लेना ही नहीं चाहते हैं, बताइए। बजरंग बली से शिकायत करते हैं, रुकिए, आज रात को आपको बारी बारी से पांच पांच गदा की जो है प्रहार होंगे बजरंग बली से, जो लोग हमारी बात मानेंगे उनका तो ठीक ठाक हो जाएगा सब कुछ, नहीं तो बजरंग बली आज रात को आपका सर फोड़ेंगे, बताइए, शिकायत लगाएं आपकी हर की, हर एक 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 पर्सन की, अगर तो हमने शिकायत लगा दी ना, तो सोच लीजिए बुरे फंसेंगे, नहीं निकलिए, करिए, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है भाई, हमको तो कुछ भी नहीं हुआ, हमको क्या ही बोलना है, आप हमारी बात थोड़ी सुनेंगे, हैं आप हमारी बात थोड़ी सुनेंगे, जो मर्जी कीजिए, जाइए जाइए,
अरे हर रोज का वही रोते रहते हैं, वही वही रोते रहते हैं, बताइए। रीडिंग कल भी रीडिंग में ऐसी, आज भी रीडिंग में ऐसी, और आप बोलते हैं कि मत रोया करो। अब ऐसी रीडिंग करेंगे तो हमको तो आंसू आए, दुख होएगा नहीं होएगा बताइए। नहीं, हमारी एनर्जीज अगर ठीक ठाक होंगी भी तो आप लोग कहाँ ठीक रखने देते हैं। ये एनर्जीज बिल्कुल हमको आपसे कनेक्ट करवाती है, आपको पता है ना। हम जब रीडिंग करते हैं, ये रीडिंग हम अपने ऊपर भी थोपते हैं। अब ये थोपने लायक है क्या? अब बताइए, क्या थोपे इसमें से अपने ऊपर? कौन सा रीडिंग, कौन सा कार्ड थोपे अपने ऊपर बताइए? हैं, जजमेंट आ रहा है, आप लोग आने नहीं दे रहे हैं, बताइए। फिर बोलेंगे कि मिनी ने डांटा है। हम कहाँ डांटते हैं, आप ही डांटते हैं हमें तो। हमको तो आप लोग ही डांटते रहते हैं, आप लोग बहुत दुख देते हैं हमको, बहुत दुख देते हैं। आप एक काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, इस समय आप लोगों के लिए बिल्कुल ठीक है। आपकी ज़िंदगी में ना ये आप ये नहीं देख पा रहे हैं। अरे हमने एक लाइन गाई थी ना सूरज, एक लाइन गाई थी सूरज से रिलेटेड, सूरज झुक गया। हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन हमने कुछ गाया था। अरे भाई, आप ये सुनेंगे नहीं, आप तो मानेंगे नहीं, आपको क्या ही बोलेंगे। 78 कार्ड्स में से यही कार्ड क्यों दिखाई दिया हमें? देखिए, कम्युनिकेशन तो आ रहा है, ठीक है, लड़ाई झगड़े के भी आसार है, क्योंकि एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, ठीक है। ये प्राणी अभी भी वहाँ से नहीं निकले हैं पूरी तरीके से, ठीक है। हो सकता है आपको थोड़ा मैनिपुलेट करने की कोशिश करें कि ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है। थोड़ा सोच समझ के कदम उठाइएगा। डिवाइन काउंटर पार्ट है ये आपके, ठीक है, और इस चीज़ को आप नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। अगर तो ये आपके नसीब में होंगे तो कुछ भी करके ये आपके जीवन में आ जाएंगे, अगर नहीं होंगे तो ये आप कुछ भी कर लीजिए, अपना माथा भी फोड़ लेंगे, अपना नसीब यहाँ से चीर भी देंगे, तो भी ये आपके नहीं आएंगे आपके जीवन में। क्योंकि जब जब जो जो होना है वो तब 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 वो होना है, और निर्धारित समय पर ही सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। बाकी आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट है भाई, बहुत इंटेलिजेंट है आप लोग। हम आपको क्या सिखाएंगे, आप तो हमको सिखाते हैं, हैं, हम तो आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है, तो हमको आपको काहे बताने की ज़रूरत है, हमको आपको काहे, हम काहे बताएं आपको कुछ? हमको कोई कुछ नहीं बताना है, जो मर्जी कीजिए आप, जो मर्जी कीजिए, हैं। तो हम चलते हैं, हम चलते हैं। क्या ही बकवास रीडिंग की है, हैं, कुछ समझ में ही नहीं आया हमको। ऐसी घटिया एनर्जीज रहती हैं आप लोगों की रोज़ रोज़, हम ऐसी एनर्जीज पर रीडिंग करने में क्या मजा आएगा हमको, बताइए। हमने इतना मोटिवेट किया, गाना गाया आप लोगों के लिए कि रुकना नहीं है, लेकिन आप लोग सुनते कहाँ हैं? जो मर्जी कीजिए, जो मर्जी कीजिए, जाइए जाइए। हम तो सोच रहे हैं हम ये रीडिंग अपलोड ही ना करें, क्योंकि हमको पता है कॉपीराइट तो ऐसे भी लगेगा, तो जो चिंदी चोर 50 पैसे कमा के हम क्या करेंगे। लेकिन हम ये रीडिंग फिर भी अपलोड करेंगे, क्योंकि हमको आपको बताना है कि हम आपकी शिकायत लगाने वाले हैं बजरंगबली से, ठीक है। और बजरंगबली से हमने आपकी शिकायत लगा दी तो आप लोगों को बराबर मार पड़ेगी, और ज़रूरी है आप लोगों की थोड़ी बहुत जो है अच्छे खासे से है ना, ये जब तक नहीं पड़ती है ना, तो तब तक तो दिमाग अकल ठिकाने नहीं आती है। तो जो लोग ईमानदारी से अगर अपनी एनर्जीज को सुधार लेंगे तो वेल एंड गुड है, नहीं तो पिटाई के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। चलिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद भर भर के है आपको, ठीक है, भर भर के है, मतलब भर भर के है। तो परेशान मत होइए, चीज़ों को अपने हिसाब से होने दीजिए, दिमाग ज़्यादा मत चलाइए। जून का महीना है, जजमेंट बहुत लोगों की लाइफ में आ चुका है, कमेंट जाके पढ़िएगा, दिखाई देगा आपको किस किस की लाइफ में आ रहा है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन जजमेंट लोगों को मिल रहा है, जस्टिस मिल रहा है। आप लोग उसको धीरे धीरे डिले कर रहे हैं, खुद ही अपनी सड़ी हुई एनर्जी से उसको धीरे धीरे डिले कर रहे हैं। तो आप लोगों की जो इच्छा है वो आप करिए, हमको कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। तो हमको यही बताना था, और बाकी जैसा आपको ठीक लगे आप कीजिए, ओके। तो हम चलते हैं, खुश रहिए, और डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। और साथ ही दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं, तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।